शुभ संध्या पिला माने, मु मनीषा दास ई ट्यूशन परिवार तरफ तुम समस्त को स्वागत जनाऊँ आज क्लास को। तो पिला माने, मु तुमको कही रखा चाहेबी कि आम ई ट्यूशन परिवार जहाँकि सर्वदा विश्वास रखे शिक्षा एक सुंदर भविष्य पर। तो आम ई ट्यूशन परिवार आगे आसीचु तुम समस्त को सुंदर भविष्य पर शिक्षा दान देवाई। तो आज क्लास टी सप्तम श्रेणी जीव विज्ञान पंचम अध्याय जहाँ नाम हूँ पोषण। तो आज क्लास टी पोषण विषय रही। तो ये पोषण विषय टी पढ़ेबा आगर मु तुमको किसी प्रश्न पचारि। प्रश्न हो आज तुम सका उठबारु एबे जाए तुम कौन कौन काम कर देखी। देख मु कौन कौन करुँ तुम कह सका उठिली, ब्रश कली, फ्रेश हैली, तापर कौन कली मु ब्रेकफास्ट कली, खाइली खाइली खाई सारापर मोर काम थिला मु कली, तापर पुणी लंच टाइम हो गला दीपहर खाइली। ठीक अच्छे तो देख एतिक काम भितर मु दी थर खाई सारली ने। ठीक अच्छे तो मोर प्रश्न तुम्हें हूँ आम खाद्य कहीं खाऊ आम खाइल तुम्हें भी खाई थो ना सका खाइब पुणी दीपहर खाइब पुणी संध्या बेले खाइब पुणी राति खाइब तो आम खाद्य कहीं खाऊ। या पूर्वर तुमको गोटे बहुत बढ़िया फोटोटे मुझे तुमको देखे देखिपार चित्रटी देखिकी कौन हो तुमको लोभ है ना पार्टी रे पानी आसला कहीं ए बहुत टेस्टी टेस्टी खाइबा अच्छी राइट। देखो ए बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाइबा अच्छी। तो मो प्रश्न होची आमे खाद्य कहीं खाऊ। मुझे प्रश्न ऊपर को तुम नजर तो जाऊ ना कहीं ये सब सुंदर सुंदर खाइबा अच्छी कि प्रश्न को तुम न नहीं केवल यही चित्र को अनाथ। ठीक अच्छे तुम अनाओ हेले मो प्रश्नर उत्तरटा दि कि आम खाद्य कहीं खाऊ। आउ गोटे प्रश्न होची तुम्हें देखीच जदि तुम माँ के जो ओसा करती जदि उपवास रुहंती ना तो जो उपवास रही था से माने से दिन जदि तुम्हें कह कि मामा मत एटा खायापी इच्छा होती मत करदेल मामा टी लुगाटा धोईदेल मामा टी घर ओल्लैदेल तुम्हें जदि एत सारा कम मामा को दब मामा कौन करती चिड़ी जाती ना मामा कहती देख धन मो देह भल लगुनि मत टायर्ड लगुच कि मत थका लगुच कहीं कहती थका लगे बोली जमीती कि धरने तुम्हें स्कूल जाइछ। ठीक अच्छे तुम्हें स्कूल जाइछ पढ़ी आसिल बहुत जोरे भोक हो तो वर्षा है बहुत जोरे भोक हो तुमको वर्षा है तो वर्षा छाड़ला पापा जाकि तुमको स्कूल रू आणिले पहुँचला बेलू तुम्हें बहुत जोर से एमती भोक लगी कि तुम्हें आ बेग भी धरिकी चली पार मामा बहुत जोर भोक है तो मो बेगटा धरे मत जल्दी खायापाई दे ताले एमें कौन बुझल जदि आम खाद्य न खाइबा आम पाखर शक्ति रि पिले जमा भी नुह तो यही आमको आम प्रश्नर उत्तर मिलगला कि खाद्यर उपयोगिता कौन खाद्य आमको कौन दिए खाद्य आमको शक्ति दिए खाद्यर आमको शक्ति मिलता है जदि आम खाद्य न खाइबा आम दुर्बल हो जा आमको शक्ति काठू मिले खाद्यर आउ कौन आम वृद्धि और विकास रे सहाय्य करथाय। देखो आम जो छोटो थिलु ना छोटरु आम बड़ हेलु केमिति हेलु जदि आमको खाद्य दिहाइन था आम कौन बड़ होइथांतु हेइ पारि नथांतु तो आमर वृद्धि आउ विकास रे आम पूरा कौन स्वस्थ भाव में बढ़िया पई खाद्य निहाती जरूरी। तो ये देखो मुझे दुईटी चित्र देखी देख कौन अच्छी ये फल अच्छी पनीपरिया अच्छी आठ कौन अच्छी माछ मांस अंडा ये सब अच्छी। तो इथरु तुम्हें किसी जापार खाद्य आम खाऊ कौ कौ प्रकार खाद्य खाऊ फल पनीपरिया खाइल माछ मांस अंडा इत्यादि खाऊ। ठीक अच्छे तो मोर कहार अर्थ हूँ आम कहाँ खाद्य पाऊ पिले वेरी गुड बहुत भल आम कहाँ खाद्य पाऊ आम खाद्य पाऊ उद्भिद ठारु आउ जीव मानक उद्भिद प्राणी मानक आम खाद्य पाई। ठीक अच्छे तो आमको खाद्य किए जोगाती उद्भिद आउ प्राणी माने आमको खाद्य दिखती। ठीक अच्छे तो खाद्य आम कहीं खाऊ खाद्य आमको शक्ति मिलता है खाद्य आमको वृद्धि और विकास में साय्य कै खाद्य आम के पाऊ उद्भिद और प्राणी मानक। तो देख आग को आम पढ़ू खाद्यर मुख्य उपादान कौन कौन खाद्यर मुख्य उपादान देख आम जहाँ भी खाद्य खाऊ। ठीक अच्छे से कौन थाए श्वेत सार बा शर्करा जातीय खाद्य पुष्टिसार बा प्रोटीन स्नेह सार बा चर्बी जातीय खाद्य जीवनिका बा जीवसार बा विटामिन किंबा धातु सार बा खनिज लवण जल।
देख ये मुझे इंग्राजी में गोटे पिक्चर दिखाई ये गोटे चित्र दिखाई है जो इंग्राजी में लिखाई श्वेत सार व शर्करा जातीय खाद्य होचे कार्बोहाइड्रेट्स जहाँ भी हमको खाइले मीठा लगुची ना से गुडा सब श्वेत सार व शर्करा जातीय खाद्य जहाँ को इंग्राजी में कार्बोहाइड्रेट्स कहते तुम्हें मैंने भावुव मैडम कहीं इंग्राजी में कहते पाने तुम्हें जिते बड़े बड़ क्लास को जीव ना तो से कौन हम तुमको इंग्राजी भी टर्म सहित जानवा दरकार से तुम्हें ओडिया सहित इंग्राजी टर्म सहित भी फेमिलियर हवा दरकार तो श्वेत सार व शर्करा जातीय खाद्य माने कार्बोहाइड्रेट जो गुड़ाक स्वादर आमको मीठा लगुच भात हैला रुटी हैला एगुड़ा सब कौन कार्बोहाइड्रेट्स व श्वेत सार जातीय खाद्य तापर आसला पुष्टि सार व प्रोटीन प्रोटीन नाटा तो तुम शुणी थतेबाला कौन तुम देह खराब हेले तुमको प्रोटीन दि जाए ना प्रोटीन पाउडर पीवाई मम्मी कहते तू टे प्रोटीन पाउडर खाई के पतला मोटा हो प्रोटीन खाइले तो पुष्टि सार व प्रोटीन आमको कौथि मिले क्षीर जातीय खाद्य रु आमको मिलूची माछ मांस अंडा रु मिले स्नेह सार व चर्बी जातीय खाद्य कोडा जोडा तेलिया जिनिस जोडा आमको सेइथिरु मिले स्नेह सार व चर्बी जातीय खाद्य आमको कौठु मिले तेल जातीय खाद्य रु तापर जीवनिका व जीवसार विटामिन विटामिन आमको कौथि पई दरकार कहलो जतेबेले देखिबो तुम देह खराब है तो तुमको विटामिन कैप्सूल दियंती ना कोंती ना विटामिन खा तो विटामिन कौन पाई दरकार आमको रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ावापी तापर आसला धातु सार व खनिज लवण जोटा मिनरल्स कहू विटामिन और मिनरल्स को एका काम से मैंने कौन करती प्रोटेक्ट करती आमको रक्षा करती क्या रोग मानक रक्षा करती आ जल कौन दरकार आम खाद्य हजम दरकार तो ये आम पढ़े खाद्यर मुख्य उपादान कौन कौन श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार जीव सार धातु सार और जल तो एबे एही सब खाद्यर मुख्य उपादान गुड़िकर कार्य आम पढ़ा तो देखिबा जे कौ सार कौ खाद्यर उपादान केमिति आमको साहाज्य करुछन तो उपादान गुड़िकर कार्य देखिपारुछ उपादान गुड़िकर कार्य कौन श्वेत सार व शर्करा जातीय खाद्य जहाँ खाया आमको केमिति लगे मीठा लगे एम कौन करती आम शरीर को कार्य करने शक्ति जोगाती ठीक अच्छे तो से तुम्हें लक्ष्य करमें भात बहुत परिमाण में खाऊ जितेबाला ना तरकारी माँ दे था तरकारी बाड़ी थे भात बाड़ी थे तो भातटार कौन परिमाणटा टी अधिका थाए कौन ना भात में कौन अच्छी श्वेत सार सी आमको कौन जोगे शक्ति जोगे कार्य करने तापर नेक्स्ट आसला पुष्टि सार व प्रोटीन एबे कही तुमको तुम जो पतला थिलो मामा आसी कहते कि अरे खाईने प्रोटीन पाउडर टिके पीने तो मोटा हो तो ये मोटा हबार अर्थ होची कौन शरीर वृद्धि साहाज्य करे आम शरीर वृद्धि केमिति हबो आम शरीर कौठि गठित कोषरे तो शरीर वृद्धि केमिति हबो नुआ कोष सृष्टि हेले तो प्रोटीन बा पुष्टि सार आमको केमिति साहाज्य करे आम शरीर रे नुआ कोष सृष्टि करे आम शरीर वृद्धि घटाए आउ कौन हुए पिले आमर जो कौटी देह हाथ छिंडी गले कि कटिगले सी कौन कै आमर कौन कर दिए मरामती कर दिए नुआ कोष तादे से जो कटि जाइंडी जाठी नुआ कोष सृष्टि करें प्रोटीन बा पुष्टि सार आमको साहाज्य करती तापर आसला स्नेह सार व चर्बी जातीय खाद्य जो माने तेलिया होई थांती कार्य करिया शक्ति जोगांती एमाने कौन करती एमाने भी कार्य करिया शक्ति जोगांती श्वेत सार भी कार्य करिया शक्ति जगाए आउ कौन स्नेह सार आम चर्म को कौन रखे चिकण रखे तेलटा केमिति चिकणिया होई थाए तो स्नेह सार आम चर्म को कौन करती चिकण रखती तापर आसला जीवनिका बा जीव सार व विटामिन धातु सार व खनिज लवण जोटा मुझे तुमको कहती विटामिन्स और मिनरल्स ताको इंग्राजी में कहते खनिज लवण को एम कौन करती रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती आमर एम कौन करेंगे रोग हेले मैंने फाइट करेंगे ना फाइट करे लड़े मैंने आम शरीर को रोग हाँपाई देवेनि जदि आम शरीर में विटामिन और मिनरल्स जीव सार आतु सार जदि सठिक परिमाण में रमको कौन सी प्रकार रोग हेनी कहीं ना आम रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती तापर आसला जल जल कौपी दरकार खाद्य हजम साहय कै आउ कह जिते आमको बहुत गरम हुए ना आम बिजी होमती पा बाहर से पा गुड़ाक कौन से झाड़ आकार बाहरी जाए से मैंने कौन करती आम देहर जी भी अपरिष्कार अदरकारी जिनस को झाड़ आकार देह किए बाहर कर दिए जल बाहर कर दिए तो जलर काम है खाद्य हजम साहय कै आम शरीर अपरिष्कार बर्ज्य वस्तु को निर्गत करय कै बुझल उपादान गुड़िक कौन कौन थी आम आउ थे मन पक श्वेत सार पुष्टि सार स्नेह सार जीव सार धातु सार और जल
श्वेतसारर काम कौन से आम शरीर को कार्य करने शक्ति जगाए। पुष्टिसारर काम कौन से आम शरीर को वृद्धि करिवारे सहाय कराए। स्नेहसार कौन कर आम चर्म को चिकण रखा से भी शक्ति जगेब। जीवसार और धातुसारर काम कौन से आम रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबे। जलर काम कौन से आम खाद्य को हजम करिवारे सहाय कराइब। आउ आम शरीर अपरिष्कार बर्ज्य वस्तु को निर्गत करिवारे सहाय कराइब। बुझिल पाने एबे देख एबे आम पढ़ा जीव जगतर खाद्य। ठीक अच्छे आम खाऊ खाद्य आमको प्राणी और उद्भिद उभयों ठारू मिलता है। मुझे प्रथम तुमको कही सारी तुम्हें भी जाच तो आम जीव जगतर जो आम जहाँ भी खाद्य खाऊ आम क्या मिलूँ प्राणी भी मिलूँ उद्भिदों भी मिलूँ जमी मंस मीर अंडा इत्यादि विभिन्न प्राणी मिले तो यहाँ आम प्राणी पाखर पाइलु। तापर आसला कौन भात डाली रुटी फल पर कहटू मिलू उद्भिद ठारू मिलूँ तो तृण भोजी क्या कह तृण मान कौन पिले उद्भिदजात। तो जो मैंने केवल घास खाऊ डापत्र नड़ा कुंडा इत्यादि कौटू आम सब पाऊ गोटे सब उद्भिद। तो जो मैंने केवल उद्भिद कि उद्भिदजात खाद्य खाती कौन कह तृण भोजी कहू इंग्राजी से कौन कह जाए हार्विवोर ताको इंग्राजी कौन कहती हर्बीवोर। ठीक अच्छे तापर आसला मांसाहारी एटा तो नारु ही जणाई पड़ जाउची। मांसाहारी माने जो माने मांस खाती अन्य प्राणी मांस खाती से मानको मांसाहारी इंग्राजी रे कहा जाए कार्निवोर। जो माने अन्य मानकर ए देखो अन्य पशु मानको खाइबे तो जेमती ए कुकुडा को कौन करिवो आमे जेमती खाउचू आमे कार्निवोर नुह कहीं आम उद्भिदजात भी खाऊ मांसाहारी भी खाऊ धरने ये कुकुड़ाटी को बिलुआटे खाइनब सी कौन हम कार्निवोर हम। ठीक अच्छे ये गाईटी को बाघटे खाइनब सी कौन हम कार्निवोर हम माने मांसाहारी हम। तो जो जंतु माने अन्य प्राणी मांस खाती से आम कौन कहूँ मांसाहारी बा कार्निवोर। तापर आसे सर्वाहारी जी कि सबकि खाऊ जमी आम मनीष मैंने आम उभय प्राणी और उद्भिदों द्वारा जत खाद्य खाऊ जमीक आम शाग खाऊ भात खाऊ रुटी खाऊ एगुड़ा सब उद्भिदर मिलला आम मंस क्षीर अंडा भी खाऊ जो आमको प्राणी ठार मिलला। तो उभय उद्भिद और प्राणीजात खाद्य खाऊ थी आमको कौन कह जाए सर्वाहारी कह जाए। एबे देखो उद्भिद पोषण तो एबे पोषण कौन पिले पोषण कौन आम जो खाद्य खाऊ से जो खाद्य अच्छी से आमको जो शक्ति मिलू जो प्रक्रिय आमको शक्ति मिलू ताको पोषण कह जाए। ठीक अच्छे तो उद्भिद को केमी शक्ति मिले आम तो खाईदेलु उद्भिद पाखर खाइलु प्राणी पाइल उद्भिद को केमी पोषण मिले। ठीक अच्छे आम से विषय में पढ़ा देख ये चित्रटी देखु ये चित्र कौन देखु कह या देख या गोटे गच या गोटे गच। ठीक अच्छे तो यही दुईटी गच को मुँह कली गोटे जारे कौन कली नील रंगर पा ने आउ गोटे जारे आउ गोटे ग्लास में कौन कली नाली रंगर पा नेली तापर ये उद्भिद दुईट को छाड़दे गच दुईट को छाड़दे कि घंटा पर मुझे कौन देख ली ये जो नील रंग अच्छी यार पत्र आंडे कौन हो नील रंग हो जाए आ गचटी को जोटा को मुझे नाली रंग में रखी थी तार पत्र आंड नाली रंगर हो जाए। तो यही मत कौन जना पड़ा पे कि एमती किसी तो होद्वारा कि जो पानी जा उद्भिदर विभिन्न अंगे पहुँचुची। ठीक अच्छे केमी पहुँचुची से आम पढ़ा देख जल खनिज लवण अंगारकाम्ल जबक्षारजान आदि उपादान को विनियोग कर उद्भिद निजर खाद्य प्रस्तुत कर जमीक तुम मामा कौन करती घरे मामा को कौन करार अच्छी डाली बनैबार अच्छी मामा को कौन दरकार पड़ो डाली दरकार पड़ो पानी दरकार पड़ो हलदी दरकार पड़ो लुण दरकार पड़ो टमाटो दरकार पड़ो पिज दरकार पड़ो सबकि दरकार पड़े सेमती उद्भिद जिते बड़े निजपाई खाद्य बनैब ना ताको कौन दरकार पड़ो जल खनिज लवण अंगारकाम्ल जबक्षारजान। ठीक अच्छे तो यही सब जिनस को व्यवहार कर उद्भिद निजपाई खाद्य प्रस्तुत कर यही उपादान गुड़ी को पोषक कहुए। तो जे आमर खाद्यपाई आमको जो जो उपादान गुड़ी को दरकार ताको पोषक कहुए जमी उद्भिद पोषक किए किए हेले जल खनिज लवण अंगारकाम्ल आउ जबक्षारजान। तापर देखो यही पोषक गुड़िकर आहरण और खाद्य प्रस्तुति रे विनियोग को सामग्रिक भाव उद्भिदर पोषण कहुए। तो पोषक गुड़ी को उद्भिद आणला आउ खाद्य प्रस्तुत करा यही जो सामग्रिक भाव यही दुईट प्रक्रिया को जदि आम मिसेदबा ताको आम कौन कह उद्भिदर पोषण कह तो उद्भिद यही पोषक गुड़ी को आणव से खाद्य प्रस्तुति कर जो
रहिला प्रक्रिया ताकु आमे कौन कहिबु पोषण कहिबु। देखो उद्भिद खाद्य प्रस्तुति कौथरे करे आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे उद्भिद खाद्य प्रस्तुति करे आलोक श्लेषण प्रक्रिया। ये जो चित्रटे पिले देखी पारच ये होचे आमर गोटे उद्भिद ठीक अछि तार चेर अछि एटी सूर्यालोक अछि आउ कौन ये लिखा है क्लोरोफिल इन लिप्स। क्लोरोफिल कौन सबुज कणा पत्रर जो सबुज रंग देखा जाए से सबुज कणा रही था आउ कौन सूर्यालोक रहा आलोक श्लेषण मान आलोकर विनियोग कर उद्भिद कौन करुँ खाद्य तैयारी करुँ तो उद्भिद को ये कौन दरकार आलोक कौटि पाइब सी सूर्यालोक तापर कौन दरकार हरित कणा बा हरित लवक जो सबुज कणा अच्छी पत्र सी कौन कर सूर्यालोक को कौन कर धरी रखर ताक कौन दरकार ये देखे कौन दरकार अंगारकामल अंगारकामल कौटी अच्छी आम वायुमंडल अच्छी अंगारकामल आउ कौन दरकार पा दरकार आउ खज लवण से कौटी पाइब मूल द्वारा सी मटी पाइज तो चलो देखा उद्भिद केमी आलोक श्लेषण कर सबुज पत्र कोष हरित लवक व सबुज कणा थाए देख पत्र रंग सबुज होता है ठीक अच्छे से आम जाचु कि सबू जेकोसी भी जीव कौर कोषर या उद्भिदर सबुज पत्र जो कोष थाए से कौन थाए हरित लवक व सबुज कणा थाए सबुज कणा सूर्यालोक शक्ति आहरण कै जमीक मुझ तुमको कहली सबुज कणा को इंग्राजी में कौन कहते क्लोरोफिल तो सबुज कणा कौन कर सूर्यालोक शक्ति को आहरण कर तापर कौन कर सौर शक्ति को विनियोग कर सौर शक्ति मान सूर्यालोक जो शक्ति आहरण करवहार कर पत्र कौन कर अंगारकामल कौटू पाइला वायुमंडल रु जल कौटू पाइला मटी तलु मूल कौन कर चेर कौन कर जल मटी तलु शोषी नहीं कांड को पठेब कांड पत्र को जीव तो एमती भाव में सौर शक्ति को विनियोग कला अंगारकामल वायुमंडल रु जल खनिज लवण मटी तलु पाई से कौन प्रस्तुत कर श्वेत सार खाद्य प्रस्तुत आलोक शक्ति विनियोग आलोक श्लेषण कहा जाए जमीक मुझ तुमको प्रथम कही आलोकर विनियोग आलोक श्लेषण प्रक्रिया कहा जाए तो पत्र खाद्य उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित तो हुए जमी देख पा जा जल जार गलापर कौन गला तार गंडी को गला गंडी कांड को गला कांडर पत्र को गला ठीक से हीपरी भाव देख पत्र खाद्य उद्भिदर विभिन्न अंश को परिवाहित तो हुए और तहार वृद्धि और विकास करे तो उद्भिद को भी तो खाद्य दरकार वृद्धि और विकास तो सी निजे निजर खाद्य प्रस्तुत कै जहाँकि तार विभिन्न अंश में पहुँची तार वृद्धि और विकास करे। एबे देख आलोक श्लेषण आलोकर आवश्यकता कौन देख यापाई आम छोटे गोटे एक्सपेरिमेंट करवा कौन करवा आमको जानवर अच्छे कि आलोक सतरे कौन आवश्यक आलोक श्लेषण पर तो आम कौन कर दुईट गच्छ नबू ठीक अच्छे ये जमी देख ये गोटे गच्छ अच्छे ये गोटे गच्छ अच्छे गोटे गच्छ को मुझ कौन करी अंधार घरे रखिदेवी जोटी की सूर्यालोक जमारू पहुँची पार नौ गोटे गच्छ को कौन करी जमी सी बाहर अच्छे सूर्यालोक सेमती रीक अच्छे मुझे रखिदेली मानिनी दुई दिन रखिदेली तापर मु कौन करी जो अंधार थिला गच्छ आ जो सूर्यालोक गच्छ से दुईटी गच्छर किसी पत्र तोली आनबी तापर ताक कौन करी स्पिरीट्रे बुड़ेदेवी ताल कौन स्पिरीट्रे बुड़े तार जो सबुज रंग अच्छे बाहरी जीव दुईटी पत्र ठीक अच्छे तापर मु कौन करी आयोडीन राम शुणु बोले आयोडीन सल्यूशन तापर मु कौन करी से आयोडीन पकेबी दुईटी पत्र मत देखा मिल गोटे पत्र रंग कौन हो बदली जाऊँ आउ गोटे पत्र रंग जमीती को सेमती रोच तो ये पत्र रंग बदली केमी कला रंगर हो कहीं पिले आयोडीन जो अच्छी जदि ताकू श्वेत सार मिलना श्वेत सार मंडत जदि थाए ताले आयोडीन रंग केमी परिवर्तित हो जाए कला रंग बा गाढ़ नील रंगर हो जाए तो जेहेतु ताले कहिलो एई पत्रटा काहार होइतिबो जोटा कला रंग हो जाइछि एई पत्रटी होउछि जेउ गछटी सूर्यालोक रे थिला काहे कि ना सूर्यालोक रे थिला बोली से खाद्य प्रस्तुत करि पारिला आउ खाद्य प्रस्तुत कले उद्भिद कोउ प्रकार रे खाद्य को संचय कर रखे श्वेत सार बा मंडत रे तो से श्वेत सार प्रस्तुत करथिला सेति पई आयोडीन रंग कोन हला एमिति गाढ़ नील बा कला रंग रे परिवर्तित होइगला
आउ जो गछ को मु अंधार रे रखी थी तार कौन सी रंगर परिवर्तन हेलानी यार अर्थ ये अंधार रे थिला बोले कौन सी श्वेतसार बा खाद्य सी बनाई पारे ना ताले आलोक श्लेषण रे किए निहाती आवश्यक आलोक तो आलोक जदि नथिबो सूर्यालोक नथिले उद्भिद कौन करिबो निज पई खाद्य प्रस्तुत करि पारिबो नाही तेणुकरी एथिरु आमे जानिलु कि आलोक श्लेषण रे आलोक नित्यांत आवश्यक ठीक अछि ओके एबे देखो पिले आलोक श्लेषण रे समीकरण केमिति आलोक श्लेषण होउछि आमे देखो जल दरकार आमको ठीक अच्छे जल दरकार अंगारकाम जल उद्भिद कौटी पाइब मटीर ताको किए दब चेर चेर साहय मटीर कौन कर चेर जल नहीं नब अंगारकाम दरकार अंगारकाम कौठ आसब वायु मिलगला सूर्यालोक सी ने कौठू सूर्य पाखर आ पत्र सबुज कण कौपाई दरकार सूर्यालोक सी सूर्य शक्ति सौर शक्ति को रख तापर देखो श्वेत सार तो जेतेबेले जल अंगारकाम्ल आ सूर्यालोकर सौरशक्ति आ पत्रर सबुज कण थिबा समय रे पत्रर कण तयारी हेला खाद्य जोडा कि श्वेत सार आकार रे पत्रर रहिला आ कण देला आमको अम्लजान अच्छा कहिलो पिले अम्लजान आमको कोथि पई दरकार वेरी गुड अम्लजान आमको निश्वास नबारे साहाज्य करे ताले उद्भिद केते आमर उपकारी देखिलो से आमको खाद्य भी जोगौछि आ अम्लजान भी जोगौछि तो उद्भिद निज पई खाद्य प्रस्तुत करि पारुथबार सेमानको कोन कह जाय स्वभोजी बा स्वपोषी भी कह जाय स्वभोजी से निज निजर खाद्य बनै पारुछि तमे कहिबो कि मैडम मामा तो निजे खाद्य बनांती से कोन स्वभोजी हेबेनी नाही काहे कि ना मामा जो खाद्य बनाउचंती सेथि पई तांको जो पोषक गुडाको कोउठ मिलुछि उद्भिद आ प्राणी को ठारु सेथि पई मामा स्वभोजी हेबेनी किंतु उद्भिद कौन करजपी खाद्य बनई पारे जो मैंने निजपाई खाद्य प्रस्तुत करती ना से आम कौन कह परभोजी तेल मामा आमें कौ भोजी हम परभोजी तो उद्भिद निजे निजपाई खाद्य प्रस्तुत करें सी स्वभोजी कितु आम निजपाई खाद्य प्रस्तुत करें अगर कौन करूँ निर्भरशील होता से आमको परभोजी कह जाए बुझिपार देख पुणी थे आम आलोचना करवा जल पाइला कौटू मटीर पाइला उद्भिद अंगारकाम वायु से नेला सूर्यालोक सौर शक्ति को आहरण कला किए पत्र सबुज कण तापर उद्भिदर पत्र कौन या खाद्य मानने श्वेत सार या उद्भिद आमको अम्लजान जगेला अच्छा पिले कहल उद्भिदर रोसे घर क्या कहुए जमी आम घर गोटे रोसई घर थाए ना आम रोसई घर कौन कौ खाद्य बनू तो उद्भिदर रोसई घर कौटी हम वेरी गुड पत्र कहीं उद्भिद तार पत्र खाद्य बनाए तो उद्भिदर रोसई घर हम तार पत्र ठीक अच्छे एबे देखो उद्भिद आमर बंधु केमिति उद्भिद आमर बंधु उद्भिद श्वेत सार जातीय खाद्य प्रस्तुत करे एहा परे एहा संचित होय मंडदरे परिणत हुए मंडद माने स्टार्च जोटा आमे कहूछु तो उद्भिद श्वेत सार बनैले आमको मंडद देला जोटा को आमे खाऊ ठीक अच्छे एहा सारा जीव जगत को खाद्य जोगाई किए उद्भिद ये जो मंडद रहिला ना से गुडा आमे सब खाऊ श्वासक्रिया पे आमको कौन जोगाए अम्लजान जोगाए आमको खाद्य भी दौछि आ अम्लजान भी जोगौछि तेणु वृक्षरोपण करिबा और परिवेश को प्रदूषण मुक्त करिबा आम समस्त दायित्व देखो आमर बंधु जी सी कौन करिबा आमर साहाज्य करिबो आमे जदि तार बंधु हबु ताले कौन आमको भी तार साहाज्य करिया पई पड़िबो तेणु आमे कौन करिबा उद्भिदंकर रक्षा करिबा वृक्षरोपण करिबा आ कौन परिवेश को प्रदूषण मुक्त रखिबा जहाँफल कौन हम उद्भिद खुशी से बढ़ आमको आमर प्रकृत बंधु बहुत सारा साहाज्य कर बुझिपारिल पिले तो आज क्लास को तुम पुणी थे देख जहाँ जहाँ न बुझिपार मत कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पचार ठीक अच्छे आहा जहाँ तुम पढ़ल से गुड़ी भल भाव पुणी थे तुम बही पढ़ी नहीं खातार नोट कर नब ठीक अच्छे तो पाने देखो तुम्हें गोटे बहुत सुंदर कथाटे मुझे लिखी बारंबार असफल हेले भांगी पड़ा उचित नुहे बेले बेले पेंथार शेष चाबी रे ताला खोली जाए यार अर्थ हूँ तुम्हें एमती देखी थो कि तुम एमती भावु आरे मुझे तो ये मार्क आने चाहूली मोर तो ये मार्क आसलानी आग थर को मुझे आउ थे बेस भल से पढ़ी पुणी थोड़े भल से पढ़ल कितु आसलानी तो एमती तुम्हें भांगी पड़ो मुझे कष्ट कली तथापि हेलानी हे मुझे पढ़वी
किंतु तुम्हें भांगी पड़ब ना कहीं देखे चाबी पेंतारे बहुत गुड़ाक चाबी था ना तुम्हें ट्राए करुव एटार एटे खोलानी एटे खोलानी तर कह कि हे ना मुझे खोलिन कि देखो बेले बेले एमती हुए ना तुम सब चाबी खोल खोल जीव लास्ट चाबी रही शेष चाबी रही ताला खोली जाए कहीं जदि गोटे उपाय हो बोले तुम्हें 10 थर 12 थर बहुत असंख्य थर चेष्टा कर निहाती तुमको सफलता मिल कहीं जो मैंने मझे भांगी पड़ते सर्वदा असफल हो अच्छा आउ जो मैंने जीवन में आग को बढ़ी चलते सफलता पछे पछे निहाती आसी तो मो कथा मन रख सब खुशी रो के भांगी पड़ब ना दुख हो सुख हो सब खुशी रुह आग को बढ़ी चल एस आज क्लास आमर ये रहा नेक्स्ट क्लास में मुझे प्रश्न भी पचारि जमी जापर कि तुम पढ़ी कि ना ठीक अच्छे तो पिलामाने भूलिबनी आम ट्यूशन परिवार गोटे अंग हबा पाई थैंक यू गुड बाय।